अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम जो आप हमारे साथ लेडीज़ देख रही हैं ये शान शाही साहब की साहबजादी हैं। तो शान साहब भी आ गए इसमें। शान साहब, हम तो इंटरव्यू करने लगे थे कि वालिद की फिल्म कैसी लगी होगी, आप लोगों ने तो देख ली है, तो पहले बेटी से बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे? वालिद साहब आपके साथ हैं आज। बस बहुत खुशी हुई है, पब्लिक भी आई हुई है, एवरीवन इज़ हियर, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, वेरी प्राउड, तो बहुत खुशी हुई है, बहुत एक्साइटमेंट। अच्छा शान साहब प्लीज़, शान भाई प्लीज़ इधर आइएगा। अच्छा, आज आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, बेटियां आपके साथ हैं, तो मतलब आप खुश? मुझे तो क्या सवाल समझ नहीं लग रहा है कि बेटियों से मुतलिक सवाल करूं, फिल्म की कामयाबी से मुतलिक सवाल करूं। बिल्कुल, फिल्म के ये हमारी एक फैमिली है, जो फिल्म फैमिली है, हम लोग, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, हम सब फिल्म में थे, और ये आप फ्यूचर है हमारी इंडस्ट्री का भी और हमारी फिल्मों का भी और हमारी फैमिली का भी। सो अभी से इनको आना चाहिए, देखना चाहिए पाकिस्तान। माशाल्लाह बहेश तो पढ़ भी रही हैं NCA में फिल्म, और डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, खुद भी कर रही हैं। सो आई थिंक दे गोना स्टार्ट वेरी सून इंशाल्लाह। लास्ट सवाल आपने जाना है ज़रूर, ये बताएं कि आपने अपनी इस बेटी को एक्टिंग की तरफ लाना है, डायरेक्शन की तरफ, या अप टू हिम, अप टू हर? देखिए, आज जो जनरेशन है उसका जो फोकस और पैशन जहाँ पे है उसको वहाँ पे डालना चाहिए। ठीक है, तरफ ही है। अच्छा, आप बताएं आपका फोकस किस तरफ है? देखते हैं, आई थिंक फ्यूचर क्या होल्ड करता है, हम किसी को नहीं पता। आई थिंक तीनों डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, विल सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, वो वालिद साहब ने कहा कि आप पर है कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपका रुझान आपकी गालिबन नताशा है, क्या नाम है आपकी कज़न का, एजाज? नतालिया, वो आने लगी हैं एक्टिंग में, तो आप उनको डायरेक्ट करेंगी, क्या करना चाहेंगी? नतालिया ने तो पिछले इंटरव्यू में अनाउंस किया था कि मैं आ रही हूँ फिल्म में। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर नतालिया, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर कम ऑन स्क्रीन अगेन एंड कम ऑन स्क्रीन ओवरऑल। आई थिंक उनके साथ ऑनेस्टली मैं आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद हर आइदर वे, मुझे जो भी उनके साथ काम मिलता है, आई विल बी रियली हैप्पी टू डू, व्हेदर इट्स डायरेक्टिंग और एक्टिंग और कुछ। लास्ट सवाल, वालिद साहब को डायरेक्ट करना चाहेंगी या वालिद साहब क्या? देखिए, वालिद साहब को कोई नहीं डायरेक्ट कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, सिर्फ मामा डायरेक्ट कर सकती हैं, और आई थिंक वर्किंग विद माई डैड एट एनी थिंग विल बी एन एब्सोल्यूट ऑनर। बेस्ट विशेस आपके लिए। और नाम तो मैंने पूछा नहीं आपका। बहिश्त, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। और बहिश्त हमारे साथ मौजूद थी, शान शाही साहब की ये साहबजादी हैं, और पीछे जो आपने देखा था वो भी तीनों साहबजादियाँ, यानी कि चार साहबजादियाँ हमारे साथ मौजूद थी, और शान ने खुद भी इस हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।